मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात आपके सामने कैसे लाऊं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। इस लड़के का नाम सक्षम बताया जा रहा है, जो कि रोहिणी सेक्टर दिल्ली में रहता है। इस बंदे की उम्र 24 साल बताई जा रही है, जो कि एक इंजीनियर था। ये बंदा अपने घर से जिम के लिए निकलता है और जिम पहुँच कर इसने कार्डियो करने के लिए जैसे ट्रेडमिल ऑन की, ट्रेडमिल ऑन होते इलेक्ट्रिसिटी शॉक इसको लग जाता है और शॉक इतना पावरफुल था कि यह बंदा वहीं ख़त्म हो गया। जिम ऑनर पर FIR भी हो चुकी है, तो केस चल रहा है। तो गाइस, आप भी जिम में जाने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि वहाँ का जो ऑनर है वो सभी इक्विपमेंट को मेंटेन कर रखता है, नहीं रखता। अगर वो नहीं रखता तो आप बताओ, अगर वो फिर भी नहीं कर रहा तो भाई इस जगह से छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो इस जगह को छोड़ दो, ट्रेडमिल यूज़ करते हैं गाइस, ध्यान रखें। ये रेनी सीजन चल रहा है तो अर्थिंग आई जाती है। अब हम बात करेंगे डेविन डी सिल्वा के बारे में, जो कि इनको लेकर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये एनहांस है या नेचुरल है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, इन्होंने अभी हाल ही में HSF कॉम्पिटिशन खेला था, जिसमें क्लासिक फिजिक में प्रो कार्ड जीता। सो अभी HSF की तरफ से एक रिपोर्ट उन्होंने पोस्ट की है, जिसमें इनको अंडर रिव्यू में अनहेंस कहा जा रहा है। इनका कहना है कि मैं अनहेंस नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा एडिशनल सब्सटेंस नहीं लिया है। सो गाइस, एक बार इनकी फिज़िक चेक करिए आप, फिज़िक क्या बवाल फिज़िक लेकर आइए आए थे अपनी। सो अभी इट क्लियर हो चुका है कि नेचुरली अनहेंस है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या कहा है, आप इनसे खुद ही सुन लीजिए। मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात आपके सामने कैसे लाऊं। कब से मतलब ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, बट दिल नहीं मान रहा था। बट अभी ना मतलब इंक्रीजिंगली ऑब्वियस होते जा रहा है वो बात, कि अभी मैं छुपा नहीं सकता। और मतलब अभी सबको पता चल ही रहा है कि मतलब लोगों की इतनी बटॉक्स जलती है ना, है ना। आई एम ट्राइंग टू यूज नाइस लैंग्वेज। ये पढ़ना जरा क्या लिखा है। HSF वालों ने रिव्यू पे डाल दिया कंफर्मेशन के पहले ही, ठीक है। और फिर लेकिन फिर भी इतने क्रिटिकल सिचुएशन में भी ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे, मैसेजेस में आके कॉल्स आ रहे थे मुझे, भाई स्टे स्ट्रॉन्ग, है ना, वी आर विद यू, हमें पता है तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है ना। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, और एक मतलब दूसरा जो प्यारे लोग हैं और ज़्यादा प्यारे लोग हैं वो लोग के लिए है। ये सबसे मुझे क्या पता लग गया कि कौन ऐसे सच में साथ देता था और कौन ऐसे नोच खाने के लिए रेडी बैठा था कोने में, है ना। ऐसे कहीं जाऊँगा तो ऐसे इवेंट में, अरे भाई भाई, अरे डिवान दोस्त है मेरा, मतलब ऐसे हग वग करने आते थे भाई, वो लोग ने ही हग दिया ना आज। सो ये ऐसे लोग होते हैं, जब भी आप ऐसे फेमस हो रहे होते हैं या सक्सेसफुल हो रहे होते हैं ना, तो ये मतलबी लोग आते हैं आगे, भाई टिप्स, भाई आप मेरे दोस्त, भाई 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 एक फोटो, भाई इतना प्यार, इतना प्यार। जब भी थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम आता है ना, तभी ये लोग रंग दिखाते ना, ऐसा पलटते ना भाई। वो देख लिया मैंने, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसे ऐसे लोग ना भाई गाली दे रहे हैं, सब सब कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ। रुको रुको, इतने मंद बुद्धि लोग हैं, रिव्यू का मतलब समझता नहीं है इनको। खुश हुए जा रहे हैं, हमें तो पहले ही पता। नाच रहे, वो ऐसा पानी में से झींगा पकड़ के ऐसा इस पे डालते हैं ना जमीन पर, ऐसे ऐसे ऐसे। चल पहले देख तो ले गवार, क्या लिखा है, पढ़ने आता है तुझे। रिव्यू लिखा है वो, अंडर रिव्यू। अरे गवार लोग, एस्ट्राडायोल 3-डिऑक्सी तुम लोग के फादर जी ने कभी यूज किया था क्या बॉडी बिल्डिंग में? कभी सुना है एस्ट्राडायोल 3-डिऑक्सी किसी बॉडी बिल्डर ने यूज किया? एस्ट्राडायोल 3-डिऑक्सी यूज किया है बोल रहे लोग। एस्ट्राडायल 3-डिऑक्सी कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग छोड़ो, कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग भी है क्या भाई?
परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग का मेटाबोलाइट है क्या वो? तुम लोग गवार लोग कुछ देखते नहीं हो, और लोग उसको एस्ट्राडायोल नॉर्मल एस्ट्राडायोल से कोरिलेट कर रहे हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल का अगर एक एटम डिफरेंट होता है ना, तो वो मॉलिक्यूल का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा बदल जाता है, ठीक है? तो इट्स लाइक सेइंग कि मैं पानी की जगह H2O2 पीऊंगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर आपने सोडियम क्लोराइड स्कूल में पढ़ा था, NaCl को अलग कर दो, Na वो रिएक्टिव मेटल है ना, आप लोग कल से नमक की जगह सोडियम अलग से डालो, है ना, क्लोराइड अलग से डालो खाने में, और खा लो और मर जाओ। बट यार अब मुझसे नहीं होगा बॉडी बिल्डिंग, मैं छोड़ दूंगा यार, मैं ये पूरा हेट वेट से बहुत अफेक्ट हुआ हूँ भाग। अरे भाई मैं ना अभी और इम्प्रूव करूँगा, और इतना प्यार से इम्प्रूव करूँगा, 2-3 गुना ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, जला जला के 100 वाट का LED बल्ब बना दूंगा। YouTube पर ये लोग, अरे मुझे तो पहले ही पता था नेचुरली बॉडी बनती ही नहीं है, साइज आएगा तो श्रेडेड नहीं होता है, श्रेडेड होगा तो साइज नहीं होता है। मैं बैठा ना इधर, मैं दोनों करके दिखाऊंगा। 8-9 साल बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं, इम्प्रूव नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट रुक जाता है। अरे मैं है ना भाई, मैं करके दिखाता हूँ ना, इसलिए तो भेजा है भगवान ने, तुम लोग की जलाने के लिए तो भेजा है। क्यों टेंशन लेता है रे तू, जा ना घर पे, जा भाई आराम से बैठ, ठीक है? मैं बॉडी बनाने का काम मेरे पे छोड़ दो, ठीक है, हम लोग पे छोड़ दो। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, थोड़ा बताओ इन गवारों को कि कैसे बॉडी बनती है नेचुरली, किस लेवल की बनती है। इन गवारों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा उस लेवल की बनती है, ठीक है? थोड़ा रुक जाओ, टाइम लगेगा, थोड़ा साल लगेगा, लेकिन तुम लोग का कल आएगा। तो ये इंसिडेंट से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि यही कि शिक्षा की कमी है बहुत फिटनेस इंडस्ट्री में, है ना? मतलब यहाँ कंट्रोवर्सी या कुछ हो गया, सीधा कंक्लूजन पे कूद जाते हैं, और ऐसा वो अर्थ उन पे नमक डालते तो कैसे उछलते, ऐसे 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 वैसे उछलने लग जाते। उतना मेहनत अगर तुम पढ़ाई में करते, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो आता था, है ना? एस्ट्राडायोल 3-डिऑक्सी, और भाई एस्ट्राडायोल 3-डिऑक्सी पकड़ा गया ना, मजा आया ना भाई, मजा आया, ठीक है? बिना कंक्लूजन बिना कुछ के उछलने लग जाते हैं, नॉनसेंस। इतना अगर जोर बॉडी बनाने पे लगाते ना, अभी तक बन गई होती, ये सब बकवास ना करना होता। और कहीं मिलता है तो लेके आना मेरे लिए 2 पैकेट एस्ट्राडायोल 3-डिऑक्सी। एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस।